जब भाई का परचन होगा तब उसके बाद जो है भाई साहब आएंगे और साली साहब जो है उसको गोद में टांग कर लेंगे। तो सभी लोग आ गए हैं जी मंडप के पास और यहाँ पर जो है आगे की जो रस्म है वह पूरी होगी। अभी राजा की गाड़ी जो है दुल्हन के द्वार जो है पहुंच चुकी है और उसके बाद जो है अभी होगा परचन और परचन के बाद जो है साली साहब आएंगे और अपने जीजा जी को उठाएंगे मतलब अपने बड़े भाई को और उठा करके लेके जाएंगे सिंहासन तक। तो यहाँ पर ये लोग पहले से ही आकर के बैठी हुई है। कब से? एक घंटे से। और अच्छा खासा राउंड घूमे हैं हम लोग वहाँ पर। हाँ लो मजा, तब इंतजार का मजा लीजिए। यहाँ देख सकते हैं चीफ गेस्ट, यहाँ देख सकते हैं एक वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ, इधर वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ। कहाँ ये देखिए। वाह भाई वाह, वहीं से निहारो अब तुम खुश रहो। तो हमारे चाचा जी सब यहाँ पर आ चुके हैं पहले से ही और बाकी सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए और उधर चल रहा है भाई साहब का परचन। तो जब भाई का परचन होगा तब उसके बाद जो है भाई साहब आएंगे और साली साहब जो है उसको गोद में टांग कर लेंगे। यही प्रचलन है, यह हो सकता है शायद आपके साइड भी हो, बहुत जगह देखा ही है। आप सबके हो गया भगले भगले कुछ और ना हमारे बीच में सब कैसे भागे विनय जी और हो गया हो गया सब मिल के सभी आमंत्रित बार यात्री घर यात्री जितने भी हैं सबसे निवेदन है कि इस नवनीत आंचल के जीवन को हरियाली भरे रहने के लिए प्रभु से कामना करेंगे। इन्हीं दो चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। वर यात्रियों की तरफ से आपका यह स्नेह स्वीकार करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने जिस हृदय की गहराइयों से हम लोगों का स्वागत किया हम सभी भाव विभोर हो गए और यह हमें सदा याद रहे। इसके साथ ही हम फिर से आप सभी पूर्णिया वासियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वर दिलों का मिलन होने वाला है और उसके साक्षी आप सभी लोग वर यात्रीगण और जितने भी इस पंडाल के अंदर उपस्थित लोग हैं सभी लोग और साथ ही साथ देवगण तो हैं ही। तो चलिए तूने जो हाथ ये थामा है राह में रोशनी ला दी है बदलो ना तुम कभी यूं ही भूल रही हो तुम मेरे हो
सभी लोग आ गए हैं जी मंडप के पास, और यहाँ पर जो है आगे की जो रस्म है वह पूरी होगी। हमारी टाइम में होता था यहाँ भी परछन होता था पान से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं रस्म। यहाँ पर रस्म था जो गाड़ी के पास ही हो गया परछन का। ओ मंगलम एक दापट को बीस बीस में दीजिएगा ताकि इसमें चावल आके जल्दी आओ। ओ मंगलम ओ मंगलम ओ मंगलम ओ मंगलम चल गया रे चल गया चल गया। ओ मंगलम ओ मंगलम आवाज चोट मारो एकदम। तो लड्डू की जो कोशिश है आधा सफल हुआ, पूरा सफल नहीं हो पाया। तो एक जूता जो इसके हाथ से छीन लिया गया है, कोई बात नहीं, जा सौदा करो। इस जूता के पहरेदारी में 500 का मुंह चप्पल का जूता दे दीजिए, 500 ले लो दे दो। हां तो वो भी दे दीजिए, दे दीजिए कोई एक तो पहनाइएगा नहीं पहना लेंगे। उधर जी मंडप में जो है मंत्र सब कुछ शुरू हो चुका है, शादी की रस्म सब होती है वह सब शुरू हो चुका है, और हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी भाई बहन यहाँ पर, और अपने गप्पे सप्पे मार रहे हैं। और शिवम का जो है ग्रुप उधर भी है गप मारने का, मेरा ग्रुप इधर है, उधर कुछ ग्रुप है, तो सारा ग्रुप बना हुआ है गप करने का, उधर भी अलग अलग ग्रुप है। ये कौन सा रस्म है निशा? ये कौन सा धान कुटा जाएगा क्या? लावा वाला था, फेरा यही लगेगा। अच्छा लावा वाला फेरा है, ओके ओके। जी बारात से तो हम लोग आ गए घर, और यहाँ पर आकर के जो हम लोग सोए हैं बहुत ही ज़बरदस्त नींद लिए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद लगी थी कि पूछिए मत। और जब आ रहे थे तो रास्ते में जो कुहासा था, मतलब सामने नज़र नहीं आ रही थी गाड़ी, तो एकदम डर भी लग रहा था। एक तो रात भर का जगे हुए, ऊपर से इतना भयंकर कुहासा। तब उसके बाद जो है एक हमें दुकान दिखा, उसके बाद दुकान में जा कर के दो कप चाय पिए, उसके बाद हमारा नींद कटा, और फिर जो है हम लोग आए सुरक्षित। फिलहाल हम लोग का जो है तय चल रहा है, और एक बन बगल में थी सपोर्ट में खड़ी, जो मेरा भाई कहीं इधर उधर ना हो जाए नींद, और सारी बहनें सोई हुई थी। सारी बहनें को तो तब मालूम करा कि पकड़ी आ गए, पकड़ी आ गई तब जगी है गाड़ी में, खूब सोई है। ऐसा ही स्वभाग रे, तुम आगे बढ़ो और तो राम कैसे बीत गया पता नहीं चला। सही में हम भारती दीदी के शादी के बाद सोचो कितना साल पहले हुआ होगा, 10 साल पहले, उसके बाद कल का शादी में जगे हैं। हम लोग सभी ननद भाभी एक जगह खड़े हैं, देर से इंतजार कर रहे, बहुत देर से आ गई है। तो फैमिली वो घर ही आ गई है, समाज के लोग भी आए हैं, गोतिया के लोग भी आए हैं। मुझे लग रहा है शायद वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं सभी लोग बाहर ही हम लोग। ठीक है आप वहाँ जाके स्वागत कीजिए। ठीक कहाँ है दूल्हे राजा की गाड़ी? पीछे है दूल्हे राजा की गाड़ी में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, वही का है इसलिए पता नहीं चल रहा है दूल्हे राजा की गाड़ी। हाँ चलो किधर, हाँ बताओ कहाँ ले जा रहा है ये गाड़ी है।
सारा फूल पत्ती सब नोच लिया उधर तो खुलवा दिए वही, इसलिए तो पहचान में नहीं आ रहा था इसका गाड़ी। मैं उनको तो पहचान में आ गया। अच्छा नहीं नहीं है अभी कुछ पहचान हुआ है।